निज गामोली जीवन हे सुना भौनी गण निज गामोली जीवन हे सुना भाई गण ई कारणे भगुआ छु अकाल मरण हे सुना भाई गण निज गामोली ये पेन ना होना ये बहाना नहीं हो सकता है। युवा प्रोसेस पे किसी व्यक्ति को समझाना है कि जो कोई मंगल ग्रह से आया है मार्स से कि जो प्रोसेस क्या होता है आप अपनी समझ को बना दें। एक मिनट के लिए बोलना है। टीबी रोग एक वायरस है। वायरस हमारे शरीर में सांस के द्वारा प्रवेश करते हैं और खून बलगम कमजोर व्यक्ति को जल्दी होते हैं। जिस व्यक्ति को पहले मलेरिया हो चुके हैं अगर उस व्यक्ति मलेरिया को जड़ से नहीं मिटाते हैं तो वो बाद में कमजोर हो जाते हैं और वो टीबी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। गांव के साथ खांसी लगते रहेगा तो आपके साथ ब्लड है। टीबी का जांच आसान है। अक्सर बदरम जांच और नर्स के एक्सरे से इस बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है। मतलब हमारा एरिया में जो खादान के साथ में काम करता है जो आदमी आंखों में नहीं दिखाई देता वो धूल सांस में घुस जाता है और या टीबी हो जाता है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है और एक दूसरे से फैल सकती है खांसी या उसके संपर्क में आने से। इसमें बुखार खांसी वेट लॉस और बहुत कम्प्लीट खांसी के साथ बदलाव आ सकता है। क्योंकि गुलाड़ी में क्लोज इन स्किन है ईट गंदा है और खाना है काफ़ी मात्रा है तो वहाँ ये जितने भी लोग को डील करते तो कम से कम 70-80% लोगों में टीबी वहाँ बहुत ही रहते हैं। लोगों ने बताना था किसी को कि टीबी के बारे में और हमको एक दूसरे की सुनने में ये मौका मिला। मैं बताऊँ और जब भी हम किसी को कुछ बताते हैं तो उसका एक रूप और उसके कारण बताने की कोशिश करते हैं। बट मोटे तौर पे जो आज हम लोगों ने बात की अधिकांश लोगों ने फोकस किया उसके फिनोटाइप पर कैसे दिखता है। खून खांसी में आया है एक से दूसरे को फैल रहा है इसकी जांच एक्सरे से होती है ना इत्यादि वो ज़रूरी है। ये जो शब्द है बड़ा बोझिल शब्द पॉलिटिकल इकोनॉमी वो बेसिकली है कि कारणों के कारण क्या है। टीबी कम खाने से होता है लेकिन कम खाना क्यों होता है किसी के पास खाना कम क्यों है किसी के पास ज़्यादा क्यों है। मेरा BMI 24 क्यों है किसी का BMI 16 क्यों है। क्या हमको उस कारण के बारे में सोचना चाहिए। और ये तो एक उदाहरण के रूप में हम टीबी की बात कर रहे हैं। हम इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी को सिलिकोसिस हुई उसका पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है। क्या सिर्फ यही है कि वो खदान में जाते हैं और वहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता उनको मास्क नहीं रहता उसके पीछे और क्या है ऐसा क्यों होता है। तो हमको कारणों के कारण समझने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कि ट्यूबरक्लोसिस एक मतलब ढांचागत वायलेंस है हिंसा है गरीब लोगों के प्रति। अगर किसी कुछ लोगों को ये हमारी गलत लेबर नीतियों की वजह से लोगों को टीबी होता है तो क्या वो बताना नहीं चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बोला कि 2035 तक हम ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करेंगे मतलब टीबी होएगी नहीं दुनिया से हटा देंगे। उनका मतलब था कि 10 लाख लोगों में एक जने को भी टीबी नहीं होगी 2035 तक। हमारे प्रधान सेवक ने बोला 2025 तक हम करेंगे और हमारा प्रोग्राम कुछ प्रोग्रामों से थोड़ा अच्छा है लेकिन अभी भी वो असफल प्रोग्राम की परिभाषा में आएगा। ना तो वो लोगों की बीमारी को पकड़ पा रहा है का पकड़ना चाहिए बीमारी पकड़ लेता है उनका इलाज नहीं कर पाता और जिनका इलाज हो जाता है उनका दोबारा बीमारी होने का या उनका वो
जीवन वापस आ गया पटरी पर, उसके लिए कोशिश नहीं करता पता करने की, और दूसरों को फैलने से बीमारी बचाने में तो बिल्कुल ही कारगर नहीं रहा है। आपने ये शब्द सुना डॉट्स, तो 1992 से लेके 2005 तक इन्होंने बोला डॉट स्ट्रैटेजी हमारी बनेगी। डॉट स्ट्रैटेजी बिल्कुल मेडिकल थी कि स्पूटम करो, एक्सरे करो, दवा कोई व्यक्ति देगा, आप उसको निकल कर देखो व्यक्ति को वगैरह वगैरह, वेरी 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 बायोमेडिकल। तो सभी टीवी के मरीजों को देखा गया, तो 55% जो टीवी हिंदुस्तान में थी वो खाने की कमी थी। तो शक्कर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी हिंदुस्तान में 9%, स्मोकिंग से 11% का है, क्योंकि सिलिकोसिस पूरे हिंदुस्तान की मात्रा में कम आता है तो उसका 1-2% होता है, अल्कोहल का 3-4% है, HIV का हमारे हिंदुस्तान में 1.5%। 2005 से 2015 ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पूरे दुनिया का डैडी बन के बैठा हुआ है, 10 साल वो चला, लेकिन उससे बीमारी की जो अनुपात था बिल्कुल कम है। कई मेडिकल स्टूडेंट से पूछा, बताओ कि टीवी को कैसे आप परिभाषित करोगे, सब बोलते हैं कि इट्स अ बैक्टीरियल इलनेस, उसको खतार से पकड़ते हैं, उसमें रन लगाते हैं, उसके बाद करते हैं, फिर एक्सरे करते हैं, एक्सरे में ये दिख जाएगा, उसके बाद उसका इलाज करो, इलाज से ठीक हो जाए। दैट इज ट्रूथ, यस इट इज ट्रूथ, बट इट इज पार्शियल। एक साइंटिस्ट था उसका नाम था कॉक, रॉबर्ट कॉक, जब से ये जीवाणु पकड़ में आया 1895 तो ये जो ये व्यक्ति थे रॉबर्ट कॉक, उसने क्या किया, रंग लगाया एक किसी के खखार में, और उसने जो उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको जीवाणु दिख गए लाल रंग की, तो उसने सारा जो था पलट दिया सोच। 1900 तक ये था कि टीबी की बीमारी अभाव की बीमारी है, अन्याय की बीमारी है, और गरीबी की बीमारी है। उससे अचानक 1900 में गाड़ी पलटी और तो हो गई एक बैक्टीरिया की बीमारी। ये इसको क्या है, इमेजिन कर सकते हैं कि ये बीमारी एक शारीरिक रूप है अभाव। इसको ये नहीं कहना कि कोई टीबी होने के कारण गरीब हो जाता है, वो तो होता ही है, लेकिन ये कोई व्यक्ति जो जिसको अभाव में रह रहा है, तो अभाव की स्थिति में यदि आप सिर्फ उसका मेडिकल रूप से इलाज करते रहेंगे तो भी, या उसको पहचान करते रहेंगे तो उससे नहीं बनेगा। तो आपको अभाव की इकॉनमी समझनी पड़ेगी, क्यों लोग, कुछ लोग अभाव में हैं, कुछ लोग विलास में हैं। हम लोगों को जो डॉक्टरी करते हैं उसमें बीमारी के ना 3 हिस्से होते हैं, सोच है एपिडेमियोलॉजिकल सोच बोलते हैं, कि एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एक होता है एजेंट जो बीमारी करने वाला कारक, वो हो सकता है कि हमारे अनुवांशिक बीमारी, हमारा जीन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है। कोरोना वायरस एजेंट है कोविड बीमारी का, और एड बीमारी का जंतु है HIV, और एक है वातावरण किस स्थिति में रह रहा है वो बीमारी, मतलब आपके घर में किसी को टीबी है, आपके घर का साइज क्या है, कितने लोग, कितनी हवा आपको रोज की मिलती है, आपके वहाँ पर अस्पताल है या नहीं है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो बीमारी की समझ में ज़रूरी है। आमतौर पर जो डॉक्टर लोग बोलते हैं उनके मुताबिक एजेंट या एनवायरनमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन एक टीबी में हमको समझ बनाने की है कि टीबी कैसे होगी, कितनी गंभीर होगी, या आपसे मरोगे या नहीं मरोगे, वो निर्भर करती है होस्ट पर, जिस व्यक्ति को उसका पोषण स्तर क्या है, उसके पास नौकरी है या नहीं है, वो कहाँ रहती है, कहाँ रहता है, ये वाली बातें निर्धारित करती हैं कि उसकी बीमारी का रूप क्या होगा, बीमारी से उपरेगा। तो तीसरा तरीका है जिसको उपयोग करते हैं एथनोग्राफी को समझने के लिए, कि आप मरीज के घर जाइए, मरीज से बात कीजिए, तुझे बीमारी कैसे हुई, पहले लक्षण क्या था, उससे बहुत कुछ मिलता है जो आपको सिर्फ एक्सरे और खखार जांच करके नहीं मिलता। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है सीमा है, मुझे पता ही नहीं कि बीमारी मुझे क्यों हुई, वो कैसे बोलेगा कि मुझे इसके कारण मुझे टीबी हुई है। लुई पास्टर नाम के केमिस्ट एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोल रहा है, जो बीज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मिट्टी है ना उसको इम्पोर्टेंट है, किस शरीर में हो रही बीमारी वो निर्धारित करती है कि बीमारी कैसे बनेगी, कैसे उसका लक्षण होगा, कैसे परिणाम मिलेगा। ये मैंने ये पोषण के बारे में एक स्लाइड देखी थी, अगर किसी महिला का वजन 40 किलो है
उसको 3 गुना ज़्यादा खतरा है टीबी में 50 किलो वाली बीमार के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा। ये शब्द मैंने उपयोग किया बॉडी मास इंडेक्स, मतलब हम जितने ऊँचे हैं उसके मुकाबले में हमारा वजन जितना है। मुझे लगता नहीं इस कमरे में किसी का भी BMI 22 से कम है। अगर किसी का 18.5 से कम होता है तो उसका 18.5 से ऊपर वजन के लोगों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा खतरा है टीबी होने का, 10 टाइम्स मोर। या ये घर में 8 लोग रह रहे हैं जो ये हम बोलेंगे प्रॉक्सिमेट, जो नज़दीकी कारण है, ये है कि ये कारण होते हैं जो मतलब बीमारी होने से तुरंत पहले के कारण। कई सारी बम्बई की झोपड़पट्टी में लोग सुबह अलग रूम रहते हैं, शाम को अलग लोग रहते हैं, इसी कारण वहाँ टीबी का कहते हैं कि वहाँ पर अंदर एक एपिडेमिक है। मैं फिर भी कहूँगा कि बीमारी टीबी की अभी भी ग्रामीण बीमारी का है, ये अभाव की बीमारी है, तो अभाव तो हमारे गाँव में तक है, इसमें कोई शंका नहीं है। टीबी को आप एक मानक भी मान सकते हैं अपने समाज की असमानता और गरीबी का। अगर आपके समाज में, आपकी समुदाय में असमानता है और अभाव है तो टीबी होगी कोई, आप ये मान के चलो। इसके बाद कुछ हुआ जिसको हम बोलते हैं आजकल सोशल डिटरमिनेंट, आपका सोशल क्लास क्या है। सामाजिक कारणों से पहले एक और कारण है ढांचागत कारण, स्ट्रक्चरल रीजंस। आदिवासी महिला खासतौर पर PBDG ग्रुप की उत्तर छत्तीसगढ़ के किसी गांव में 30 साल की है, उसका वजन 38 या 39 किलो है और वो घर में ही चूल्हे में खाना बनाती है। उसका चांस दिल्ली में बैठी हुई कोई महिला या न्यूयॉर्क में बैठी हुई या लंदन में बैठी हुई कोई महिला से 300 गुना ज़्यादा खतरा है उसका मरने का। लेबर पॉलिसी क्या है? आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हो, आपको पता है कि आपको अगर आप 2 दिन बीमार होंगे तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपको उचित वेतन मिलेगा। ये किस असंगठित क्षेत्र में हमारे हिंदुस्तान में स्टिग्मा भी है, ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इन कारणों में, ये सब तो जोड़ रहे हैं। ये राजनीतिक कारण हम इसको नहीं नज़रअंदाज, जो हमारे देश में अभी मतलब जो घटिया माहौल मजहबी लेवल पर बनाया जा रहा है उसका क्या लगता है? टीबी से रिश्ता नहीं, सीधा रिश्ता है सीधा। विज्ञानों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई ना तकनीक दिखा दो। हमारे देश में जिस चीज़ को टीबी निकलता है उसके सारे जंतुओं की जांच करो, उसके जंतु है उसमें कौन सी दवा काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, 15 दवाइयों की जाँच करो। ये फरमान आ चुका है और इस पर काम हो रहा है, इसमें खर्चा होता है बहुत सारा। अब एक और आया है कि हम 40% लोगों को टीबी के जंतु हमारे शरीर में है, उसमें से हमारे टोटल मिला के 1.5% लोगों को टीबी होती है। वो बोल रहे हैं कि सब 40% लोगों को टीबी की दवा दी जाए ताकि उनका जंतु जो है वो बीमारी के रूप में बदले ना, उन 40% में वो 1.5% ना बन पाए। ये योजना कई सारे राज्यों में चालू भी होगी, हमारे बिलासपुर में चालू होगी। ये दिशा चल रही है जब आप डॉक्टरों के हाथ में, साइंटिस्ट के हाथ में आप टीबी जैसी सामाजिक बीमारी का कंट्रोल का और एलिमिनेशन की बात को उनके हाथ में संभाल खत्म हुई है। इसके बाद मैं आपके बीच में कुछ चंद सवाल उठाना चाहूँगा। पहला, क्या ट्यूबरक्लोसिस की टीबी की बीमारी एक किसी और टीबी के मरीज से संपर्क अधिक आने के कारण होती है या उस व्यक्ति या उस समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनमें टीबी की परेशानी ज़्यादा होती है? नंबर दो, क्या आपने कभी किसी टीबी मरीज जो कि कोई शहरी बस्ती या गांव में जो रहते हों उनमें टीबी के बारे में किसी से आपकी बातचीत हुई है? यदि हुई है तो आपको समझ में क्या आया कि उनको बीमारी का मुख्य कारण क्या था और उनकी क्या उनके मन में सवाल और परेशानियां थी जिससे वो उभर पाने में उनके मन में उड़ते हैं? तीसरा, यदि हमको टीबी जैसी बीमारी पर अंकुश लगाना है या उसको ख़त्म करना है तो हमारा प्रयास किस दिशा में ज़्यादा होना चाहिए, उसके उपचार में, उसके रोकथाम में या दोनों में? और चौथा ये कि यदि आपको मैं पूछूं कि आप 3 ऐसे मुख्य तरीके बताइए जिससे आप टीबी की परेशानी को एक छोटी परेशानी बना दो, इतनी बड़ी परेशानी जैसे अभी है, तो क्या 3 तरीके होंगे जिसमें आप काम करना चाहेंगे?